बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत फलक के बारे में। सूरत फलक जो है ये तदवीन के अतबार से इसका 113 नंबर है, गोया कि अब यह कुरान करीम की सेकंड लास्ट सूरत है सूरत फलक। और ज़ाहिर है कि अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह ख़त्म कुरान होगा, आखिरी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे। तो सूरत फलक जो है इसका तदवीन के अतबार से जो 113 नंबर है, अलबत्ता जो है नुज़ूल के अतबार से इसका 20 नंबर है। इस ये सूरत मदनी सूरत है, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। और इस सूरत में मुहाफिज आज़म का ज़िक्र है। अच्छा, मुहाफिज आज़म का ज़िक्र है, जो सबसे बड़ा मुहाफिज, और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा मुहाफिज ज़ाहिर और बातिन का वो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ाती आली है। लिहाजा इस सूरत के अंदर भी जो अल्लाह तबारक व ताला की मुहाफ़ज़त का ज़िक्र किया गया है। और मुहाफ़ज़त इस माना में एक दुआ तलकीन की गई है, गोया कि बंदा वो दुआ अगर पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला ज़ाहिर के जितने शुरूर है, क्योंकि ज़ाहिर और बातिन दो तरह के शर हैं, एक ज़ाहिर के शर हैं, एक बातिन के शर हैं। तो इस सूरत में ज़ाहिर के शुरूर से मुहाफ़ज़त की दुआ बतलाई गई है जी। और वो भी कुल से इस पैगाम को शुरू किया गया, कुल ए पैगंबर आप कह दीजिए। और जो सूरतें कुल से शुरू हुई हैं वो हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत पर दलील है। अच्छा। कि जिस नबी ने लफ्ज़ कुल की के में भी जो है बुखल नहीं किया और कुल के लफ्ज़ को भी उम्मत के सामने रख दिया कि मैंने गोया कि वही के पैगाम में लफ्ज़ कुल सुना, तो वो भी आगे पास कर दिया। हालांकि कुल के लफ्ज़ को आगे पास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम किसी को अगर कह दें कि भाई कह दो उन लोगों को भी, या ठहर जाएँ ज़रा, तो जाके ये कहेगा कि ठहर जाओ ज़रा, ये नहीं कहेगा कि कह दो कि ठहर जाओ ज़रा। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो कुल का जो लफ्ज़ आया था वही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी महफूज रखा, वो भी उम्मत के सामने पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। तो जो नबी उसमें बुखल ना करे तो बाकी पैगाम हक में बुखल कैसे कर सकता है, या रद्दबदल कैसे कर सकता है। इसलिए तो कहा कि वमा हुआ अलल गैब बिज़ानीन, कि ये जो तुम्हारे पैगम्बर हैं ये गैब की बातें बताने में जो है बखील नहीं है, जो सुनते हैं मीन वान हर्फ और हरकत और सुकून के साथ आपको पहुंचा देते हैं। तो लिहाजा ये कुल के से शुरू होने वाली सूरतें ये इस एतबार से बड़ी जामियत के हामिल हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत इस वही के ऊपर जाहिर करती हैं। और इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने कुल औज रब्बिल फलक, यानी सुबह के रब की पनाह, तो सुबह के रब की पनाह मांग के गोया कि आगे जो है चार शुरूर जिक्र किए हैं। एक शर जिक्र किया मखलूक का, ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला की जितनी मखलूक है, मखलूक ज़ाहिर है पैदा की अल्लाह ने खैर और नफ़े के लिए, लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि कोई भी चीज़ जो कि खैर के लिए पैदा की गई है उसका एक दूसरा पहलू ऐसा भी है कि उसका अगर मिसयूज़ किया जाए तो वो शर भी बन जाता है। तो गोया कि इसलिए मखलूक के शर से पनाह मांगी, यानी नफ्स मखलूक से नहीं। मखलूक तो गोया कि ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक और नेमत है, हाँ शर उस मखलूक के शर से पनाह मांग रहा है कि मखलूक के शर से पनाह में। और दूसरा फरमाया अंधेरा, अब अंधेरा जो है वो एक अल्लाह के आबदों और जाहिदों के लिए नेमत भी है कि रात के अंधेरे में ये बंदा अपने खुदा से मुनाजात करता है, है? और रात में इंसान अपने बहुत से मुफीद कामों को भी निमटाता है। लेकिन वहीं पर इस अंधेरे के शर भी है कि अगर इसी अंधेरे को मिसयूज़ करें तो चोरी और डाके डालने वाले और अंधेरी रात में कत्ल करने वाले और जो है वो शब खून मारने वाले भी तो इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा ये उसके बाद जो है वो अंधेरे के शर से पनाह मांगी कि अंधेरा तो है अल्लाह तेरी नेमत है कि रात की नींद इंसान आराम की लेता है और जब आबिद खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन इसका शर भी तो है, तो इसके शर से पनाह मांगता हूँ। फिर यह कि जादू टोने करने वाली जो औरतें हैं वो गिरे बना बना के जादू करती हैं और उस पर फूंकती हैं, तो ज़ाहिर उनका भी एक शर है, जो दिन और रात उन दोनों से आज़ाद होकर किसी वक्त भी अमल कर सकती हैं, तो फरमाया उसके शर से पनाह मांगी। और फिर ये कि मिन शर हासिद इज़ा हसद, कह के हसद करने वाला जो है जिस वह हसद के अंदर मुबतला हो तो उसका भी एक शर होता है, लिहाजा उस शर से भी पनाह मांगी। तो क्योंकि ये चार शर है और इनका ताल्लुक ज़ाहरी नुकसान के साथ है, तो ज़ाहरी नुकसान से अगर तुम हिफाजत चाहते हो तो मुहाफ़िज़ आज़म की पनाह में आ जाओ। जब मुहाफ़िज़ आज़म की पनाह में आ गए तो कोई माई का लाल जो है आपका बाल बेका नहीं कर सकता। इसलिए यह हकीकत इस सूरत के अंदर बतलाई गई है कि मुहाफ़िज़ आज़म से पनाह मांगनी है और ज़ाहिर तरह के जितने भी शरूर होंगे उनसे आपको हिफाजत हासिल हो जाती है। सुभान।